दिल्ली के मधुविहार में एक महिला के साथ चेन झपटने की वारदात सामने आई है। 53 वर्षीय बीना गुप्ता अपने पति रामनिवास गुप्ता के साथ किसी काम के सिलसिले में जा रही थी। मेरे साथ अभी मधुविहार में आ रहे थे, तो ऐसे चल रही थी, वो बाइक वाले आए थे, बाइक वाले ने ऐसे हाथ मारा था। अच्छा, साड़ी में भी ऐसे हो रही थी, मैंने ऐसे पकड़ा, एकदम खींचता ही चला गया। तभी अचानक दो बाइक सवार वहां से गुजरे और महिला की चेन झपटने की कोशिश करने लगे। जब तक महिला और उसके पति समझ पाते कि उनके साथ क्या वारदात हुई है, तब तक दोनों बाइक सवार चेन झपट कर जा चुके थे। तो दो लड़के सामने से बाइक से आए, जो एफटेक मोटरसाइकिल थी, और दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे काले कलर के। पीछे वाला लड़का था, उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और मुँह पे कपड़े दोनों ने बांध रखे। जिस लड़के ने चेन तोड़ी, चेन तोड़ने के बावजूद उसके हाथ में रिवॉल्वर या कट्टा, इस तरह का कोई आर्म्स था। जैसे लोगों पीछे भागने की कोशिश की तो उसने उसको दिखाया, फिर गोली मार दी। इस छीना झपटी में महिला को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। चेन ले गया और चोट लगी है, ये लगी है, बहुत लगी है, ये चीज़ लगी है, ऐसे काफ़ी चोट भी लगी है। तो उन्हें आपने हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया? हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भैया है, वहाँ से हमें फर्स्ट एड मिला है। चोटें हैं और घोटू में दोनों में चोट है, और उनके चेस्ट में चोट है और एक बखा में है। FIR कराने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ पर प्रारंभिक उपचार के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई। 10:39 उसको कॉल किया, उसके बाद मेरे पास PCR वाले पहुँचे। तो पुलिस का सपोर्ट कैसा रहा अभी तक इस मामले में? पुलिस का सपोर्ट तो तकरीबन उसी तरह का है जैसा होना चाहिए। न्यू मॉर्निंग न्यूज़ .com की रिपोर्ट।